हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ रश्मि और आप मेरे साथ देख रहे हैं जायका रसोई। तो आज मैं आपको अपनी एक ऐसी रेसिपी बताने जा रही हूँ जो है आलू। आलू हर घर में पसंद किए जाते हैं और बहुत बनते हैं हर घर में। आलू सब्जियों का राजा भी है, तो आलू को हम कितनी तरीके से बना सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले आज मैं बनाऊंगी आलू के बरख, वो भी साउथ इंडियन तड़का। तो आलू के बरख बनाने के लिए सबसे पहले हमने आलू को इस तरीके से काट लिया है, बरख बना लिए हैं इसके। और मैंने 2 मीडियम साइज की प्याज बारीक काट ली है इस तरीके से। और मैंने करी पत्ता लिया है 8 से 10, थोड़ा करी पत्ता मैंने क्रश कर लिया है। और ये मैंने सरसों ली है, ये मैं 2 चम्मच यूज़ करूँगी। हींग ली है मैंने यहाँ पर 1/2 चम्मच से थोड़ा सा कम। लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और गरम मसाला, बस इन्हीं चीज़ों से हमें ये सब कुछ बनाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तेल हमने कर लिया है गरम। अब सबसे पहले हम इसमें डालेंगे सरसों 2 चम्मच। सरसों थोड़ी तड़क जाए फिर हम इसमें डालेंगे प्याज। तो हम गुलाबी होने तक फ्राई करेंगे। प्याज हमारी गुलाबी हो चुकी है। अब हम इसमें डाल देते हैं करी पत्ता। और उसी के साथ हम इसमें डालेंगे हींग और इसको थोड़ा करेंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे आलू। अब हम आलू ऐड करेंगे इसमें। अब इस तरीके से हम इसको 5 से 6 मिनट तक ऐसे ही भूनेंगे तेल में। आलू को भूनते भूनते हमें यहाँ पर 4 से 5 मिनट हो गए हैं। अब हम यहाँ ऐड कर देते हैं इसमें नमक, क्योंकि नमक हमने अभी तक नहीं डाला। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। मैंने यहाँ 1.5 चम्मच नमक लिया है। और हम फिर इसको चलाएंगे थोड़ा। आलू का कलर और प्याज का कलर। अब हम इसमें बाकी के मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम डालेंगे यहाँ 1 चम्मच हल्दी। दो से 2.5 चम्मच मिर्च, लाल मिर्च। मिर्च आपको जैसी खानी है, ज़्यादा तीखा पसंद है तो इतनी डालें, वरना थोड़ी कम कर सकते हैं। और गरम मसाला 1/2 चम्मच। बस अभी फिलहाल मैंने फ्लेम की हुई है स्लो, बाकी पूरा टाइम मैंने हाई फ्लेम पर भुनाई की थी। और ये देखूँ, अब मैं फिर से फ्लेम कर देती हूँ फुल। और इसको मैं 2 से 3 मिनट तक भूनूंगी इसी तरह। बस इसको इतना भूनते हैं कि भूनते भूनते ही आलू हमारे गल जाते हैं। 2 से 3 मिनट तक हमें इसे भूनते हुए हो गया है। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं जो हमने क्रश किया हुआ करी पत्ता रखा था। हरा धनिया हमें इसमें नहीं डालना है, क्योंकि अगर हरा धनिया डालेंगे तो करी पत्ते की खुशबू इसमें नहीं आएगी। अब हम इसको 1 से 1.5 मिनट तक भूनेंगे। और अभी इस वक्त मैंने फ्लेम की हुई है फुल। ये देखिए 1 से 1.5 मिनट तक हमने इनको भून लिया है और कितना अच्छा कलर आया है ये देखिए। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं पानी थोड़ा।
ज्यादा पानी नहीं डालना, इतना डालेंगे जितने में आलू हमारे गल जाए। वैसे तो इतनी देर हो गई है, मुझे घंटे में आधे आलू तो वैसे ही गल जाएंगे। तो अब हम इसको ढककर पकाएंगे। अब हम इनको खोल कर देख लेते हैं। बीच में मैंने एक बार इसको चला लिया था और अब हमारे ये आलू गल चुके हैं। ये देखिए पूरी तरीके से आलू हमारे तैयार हैं। ये देखिए अब हम इनको डिश आउट कर लेते हैं। मैंने 5 मिनट तक स्लो फ्लेम पर इसको पकाया है ताकि अच्छी तरह से गल जाए और इनका कलर भी देख सकते हैं आप कितना बेहतरीन आया है। तो हमारे तैयार है ये रेसिपी साउथ इंडियन तड़के वाली आलू के बर्फ। को कर लिया है हमने डिश आउट। अब ये खाने के लिए एकदम तैयार है। आप इसको पराठे के साथ खाइए, साथ में दही भी रख लीजिए, सुबह नाश्ते में बनाइए और पराठे के साथ खाइए। हर रोज़ बदल बदल के नए नए तरीके से आलू मैं आपको बताऊँगी किस तरीके से बनाना है। तब तक के लिए चलते हैं, मिलती हूँ अपने अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।